नागपुर के रेड लाइट एरिया में मानव तस्करी का धंधा कितने बड़े पैमाने पर चलता है उसका उदाहरण लकड़गंज पुलिस ने सामने लाया है। लकड़गंज पुलिस ने एक नाबालिग युवती को नागपुर के गंगा जमुना परिसर से देह व्यापार में ढकलने का मामला उजागर किया है। इस युवती को 2014 में उसके बहन और सहेली के साथ मध्य प्रदेश से महज 7 से 8 वर्ष की उम्र में अपहरण किया गया था। अपहरण कर तीनों को राजस्थान ले जाया गया, वहां से एक युवती को बेचकर नागपुर के गंगा जमुना में देह व्यापार कराने के लिए ढकेला गया। कैसे इस युवती को इस दलदल में उतारा गया, आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। नागपुर के बदनाम गलियों में नाबालिग युवतियों से करवाया जा रहा है देह व्यापार। मानव तस्करी कर नाबालिग युवतियों को बेचा जा रहा है लाखों रुपयों में। 7 साल बाद लापता हुई नाबालिग युवती मिले नागपुर के गंगा जमुना से। देह व्यापार में ढकल कर मानव तस्कर कर रहे लाखों रुपए की कमाई। नाबालिग युवतियों को इंजेक्शन देकर किया जाता है उनके हार्मोन्स में बदलाव ताकि नाबालिग युवतियां दिखे फ्रॉड। लकड़गंज पुलिस ने छुड़वाया नाबालिग युवती को देह व्यापार के गोरख धंधे से। मानव तस्करी का गोरख धंधा देश में कितना पनप रहा है इसका उदाहरण नागपुर में देखने को मिला। नागपुर में पुलिस ने 15 साल की नाबालिग युवती को गंगा जमुना से छुड़वाया है। इस युवती का 2014 में मध्य प्रदेश के देवास से अपहरण किया गया था। इसी के साथ इसकी छोटी बहन और उसकी सहेली का भी अपहरण किया गया था। जब ये युवती महज 8 साल की थी और इसकी छोटी बहन 5 और सहेली 8 साल की थी। दोनों बहनें अपनी सहेली के साथ अपनी माँ के पीछे पीछे खेत जा रहे थे, तभी तीनों रास्ता भटक गए और वहाँ से उनका अपहरण किया गया। अपहरण कर तीनों को राजस्थान भेजा गया जहाँ उनका सौदा कर उन्हें बेच दिया गया। वहाँ से बड़ी बहन को 20 से 25 लाख रुपए में बेचकर नागपुर के गंगा जमुना में देह व्यापार में ढकेला गया। शौकीन लोग कम उम्र की युवती पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसी के लिए कम उम्र की युवतियों को इस व्यापार में बड़े पैमाने पर ढकेला जाता है और इसी के कारण पूरे देश में मानव तस्करी बड़े पैमाने पर पनप रही है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, लेकिन ये सच है कि भारत उन 10 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मानव तस्करी की जाती है और ये मामला उसी का उदाहरण है। 12 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक नाबालिग लड़की हमारे एरिया में कुछ प्रोस्टिट्यूशन कर रहे उसको लेके, तो हमने फ्रीडम फार्म ये सामाजिक संस्था है उन्हीं की सहायता से हमारे पुलिस थाने की PI मैडम इनके साथ में रेड किया, तो वहाँ एक लड़की हमें मिली। जब हमने उसको पकड़ा तो वो अपनी उम्र 20 बता रही थी। हमने पीटा एक्ट के अनुसार संबंधित आरोपियों के ऊपर में गुनाह दाखिल किया और आगे की तफ्तीश शुरू की है। सेम टाइम MP पुलिस ने राजस्थान में भी एक रेड किया था, तो वहाँ से ऐसा खुलासा हुआ कि 2014 में कुछ 3 लड़कियों का अपहरण हुआ था और 2014 में वहाँ कुछ अपराध दाखिल है और उसकी तफ्तीश आज तक MP पुलिस कर रही थी। उसी तीनों लड़की में से ये भी लड़की है, तो हमें पता चला कि उसकी उम्र कम है। आज MP पुलिस यहाँ आई है तफ्तीश करने के लिए। हमने ये पीटा एक्ट में आगे के सेक्शंस बढ़ा के इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और आगे क्या खुलासा होगा ये इन्वेस्टिगेशन में बताएं। सर, अभी MP पुलिस अपने नागपुर आई है आपके घर में, तो उन्हें कुछ उस समय के फोटो और अभी की फोटो कुछ बताए होंगे जिसमें कुछ बहुत डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ फोटो बताए? और उम्र 2014 से आज 2021 है, तो डिफरेंस तो रह गई। सर, उनकी माँ, अगर उन बच्ची की माँ ये उनको ये आज की फोटो अगर दिखाए तो उन्हें पहचान ही क्या? आज की फोटो उनको दिखाई और आवाज़ से भी उन्होंने पहचान लिया और उसके सिस्टर से भी बात हुई तो वो दोनों ने सिस्टर ने भी पहचान लिया और जब उनकी लड़की मिली तो वो बहुत खुश थी अपने परिवार में जाने की वजह से। अभी कोई आरोपी अरेस्ट नहीं हुए, जो आरोपी के नाम सामने आ रहे उनको हम ढूंढने में लगे हुए, हमारे टीम लगी हुई। 12 मार्च को नागपुर के लकड़गंज पुलिस ने रेड कर इस युवती को इस दलदल से बाहर निकाला। उसी समय राजस्थान पुलिस ने भी इस युवती की सहेली और छोटी बहन को तलाश कर उन्हें भी इस दलदल से बाहर निकाला। कुछ मीडिया रिपोर्ट और NGO के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत में हर साल तकरीबन 6,000 से ज्यादा मानव तस्करी के मामले दर्ज होते हैं।
जिनमें बच्चे महिलाओं का बड़े पैमाने पर समावेश होता है। 2019 में देश में 6,616 मानव तस्करी के मामले रजिस्टर हुए, वही कई मामलों में केस दर्ज तक नहीं होते हैं। ऐसे में देश के लिए ये मानव तस्करी अभिशाप बनता जा रहा है। अगर इसे रोकने पर काम नहीं किया गया तो कई परिवार ऐसे ही अपनों को खोते रहेंगे और कई बच्चियों को ऐसे ही देह व्यापार के दलदल में ढकेला जाएगा। हमें मिली जानकारी के हिसाब से हमने फ्रीडम फॉर्म के साथ एक रेड की है हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में। वहाँ पे जो एक लड़की मिली है वो नाबालिग लड़की है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि 2014 में देवास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो किडनैपिंग का केस दर्ज है वो उसी केस में से लड़की है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे और दिनेश सातपुते के साथ रितेश बोरकर और अमित पांडे की रिपोर्ट।